ट्रेनरी मालिक से रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ दर्ज हुआ संगीन धाराओं में मुकदमा। आरोपियों पर कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ रंगदारी, बलवा, धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। थाना जाजमऊ क्षेत्र के वासिफ ट्रेनरी के मालिक वासिफ अख्तर ने मोहम्मद आजाद, मोहम्मद शहजाद, फिरोज सज्जाद समेत 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कोर्ट के आदेश पर थाना जाजमऊ में दर्ज करवाया मुकदमा। राजनीतिक दबाव के चलते थाना पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने में की थी हीला हवाली, जिसके चलते वासिफ अख्तर ने कोर्ट के आदेशों पर दर्ज करवाया मुकदमा। वासिफ ट्रेनरी के नाम पर मुकदमे में नामजद अभियुक्त आजाद ने कई लोगों से ले रखा है कर्जा। वासिफ ट्रेनरी के मालिक वासिफ अख्तर व मुकदमे में नामजद अभियुक्त आजाद आपस में है रिश्तेदार। बीती 10 अगस्त को मुकदमे में नामजद अभियुक्तों व अन्य अज्ञात लोगों ने वासिफ अख्तर के घर में घुसकर मांगी थी रंगदारी व जान से मारने की धमकी देते हुए की थी मारपीट। आरोपी आजाद द्वारा वासिफ अख्तर की फर्म पर रजिस्टर्ड कार को भी हथियाने का है आरोप। सूत्रों का कहना है कि आरोपी आजाद खुद को सत्ता पक्ष का नेता बताता है, साथ ही कार पर अध्यक्ष लिखकर कई गैर कानूनी कार्यों में कार का इस्तेमाल करता है। अब देखना है कि कोर्ट के आदेश पर 4 नामजद अभियुक्तों समेत 5 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना जाजमऊ पुलिस आखिर कब तक करेगी गिरफ्तारी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।